मेरा ये मानना है कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं तो आपके पास सही गियर होना चाहिए, हेलमेट सबसे ज़रूरी है, उसके साथ सही जूते बहुत ज़रूरी हैं, और बहुत सी आज हमारे पास ऑप्शंस हैं वर्डेंची जैसे स्टोर्स में, जहाँ पे प्रीमियम स्टाइलिश फैशनेबल मोटरसाइकिलिंग गियर अवेलेबल है। इनफैक्ट जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं अलग अलग हेलमेट्स ट्राई कर रही हूँ, और ये मेरी फ़िलहाल की फेवरेट है क्योंकि मेरी बाइक लाल रंग की है और ये उसके साथ काफ़ी अच्छी तरह से मैच करती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बाइक चलाएं हमेशा हमेशा हेलमेट पहन कर ही चलाएं। मुझे काफ़ी शौक़ है बाइक चलाने का, मैं कॉलेज से बाइक चलाती आ रही हूँ, और जब भी मुझे डी स्ट्रेस करना होता है मैं हमेशा एक बाइक राइड पर जाती हूँ। अभी तो मैं बाइक में नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे कहीं और जाना है और मैंने सही जूते भी नहीं पहने हैं, पर आज शाम को शायद मैं बाइक राइड पे जाऊँगी। ये थोड़ा सा बाइकर लुक टाइप का आउटफिट है, और मुझे लगा ऐसी इवेंट के लिए जहाँ पर बाइकिंग गियर की बात हो रही है, जहाँ पर बाइकिंग गियर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बढ़िया है कि मैं ऐसे एक आउटफिट में आओ जो ऐसे नहीं लगे कि बिल्कुल जेल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं इस आउटफिट पे, और मैंने ये हेलमेट इसलिए पहनी है ताकि जिनको भी कभी भी ऐसा लगे कि वो बिना हेलमेट के थोड़ी देर के लिए बाइक चला सकते हैं, थोड़ा ही दूर जा रहे हैं, ये दिमाग से ख्याल निकाल दे जब भी बाइक पे बैठना है हेलमेट पहन के ही बैठना है। कितनी खूबसूरत हेलमेट है ये, मैं तो मतलब बिना बाइक भी पहनने को तैयार हूँ इसे। जी, मुझे ज़्यादा अनुमति नहीं है बात करने की, पर दो वेब सीरीज़ पर काम अभी हाल ही में मैंने ख़त्म किया है, तीसरी पर शुरू कर रही हूँ, और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक इंटरेस्टिंग पार्ट प्ले कर रही हूँ, और नील नितिन मुकेश की जो फिल्म है बाईपास रोड उसमें मैं एंटागनिस्ट का पार्ट प्ले कर रही हूँ। एक बाइक राइडिंग पार्ट है ज़रूर, किसमें है ये मैं बता नहीं पाऊँगी, पर इन पांच प्रोजेक्ट्स में से इन एक में ज़रूर है। इसके अलावा जी मैं चुनिंदा कैंडिडेट्स का समर्थन ज़रूर करूँगी। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में कैंडिडेट पार्टी से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो प्रतिनिधित्व है वो आपका सांसद करेगा, और पार्टी भी ज़रूरी है, पर जिस सांसद को आप चुनकर संसद में भेजेंगे उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो सोच समझ के चुनिएगा, और अपनी वोट जब डालें ज़रूर डालिएगा पहले तो, और अपनी जब वोट डालें ये बात सोच के डालिएगा कि ये सांसद आपके लिए हर वक्त उपलब्ध होने चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वोट, इट्स योर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन इन डेमोक्रेसी टू कास्ट योर वोट, इट्स इंपॉर्टेंट टू वोट फॉर द राइट कैंडिडेट्स, पार्टीज आर इंपॉर्टेंट टू, बट इफ आई हैड टू चूज बिटवीन द राइट पार्टी एंड द राइट कैंडिडेट आई वुड सपोर्ट अ बेटर कैंडिडेट ओवर अ बेटर पार्टी, बिकॉज ultimately you want a candidate who is a true representative of your area, of your constituency, and somebody who is available to you, and most importantly accountable and answerable to you. मैं चाहती हूँ कि आप भी जब मुझे देखें आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएं और हैरान हो जाएं, अगर सभी सरप्राइजेज मैंने आपको आज बता दिए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। मेरा ये मानना है हर बार की तरह फोकस हमेशा पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी पर होना चाहिए। बेसिक सबसे जो ड्यूटी होती है सरकार की वो ये होती है कि सबको बराबर के मौके मिलें शिक्षा में और स्वास्थ्य में, और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन सरकार की नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ये आपका दायित्व है कि आप डिमांड करें। एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू। मैम दिस साइड, थैंक यू, कमिंग कमिंग कमिंग।
काश 18 साल का होता मैं. You know, that's the first feeling जो आती है, क्योंकि हमेशा बाइक का शौक रहा है, बाइक को स्कूप अप करने का शौक रहा है. मेरी पहली बाइक जावा थी, you know, and then finally ended up with a bullet. जब वाइफ को पटाने का टाइम आया तो सडन स्विच किया मैंने बुलेट से लेके, और अपने दोस्त का फुली ऑटोमेटेड होंडा चलाने की कोशिश में. आज भी वाइफ को लगता है कि मैं झटका जानबूझ के दे रहा था बाइक को, जबकि मुझे चलाना ही नहीं आता था, क्योंकि उल्टी थी बुलेट, उल्टा चलता था तभी. यू नो एवरीथिंग वाज द अदर साइड, बट लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच टू द बाइक. खूबी ये भी है कि आहान की पहली फिल्म अगर आ रही है तो वो भी बाइक की RX 100, और मैं एक्साइटेड हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डायरेक्टर को, मिलन को और साजिद भाई को ये दिखाने की, यू नो, ये जर्नी उसकी बाइक पे, और यहाँ आके कुछ ना कुछ कमाल कर सकते हैं. तो एक्साइटेड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि 14 इयर्स आई थिंक 14 साल की मेहनत, 14 साल की वनवास कह सकते हैं हम लोग के बाद एक ब्रांड की द बिल्डिंग ऑफ अ ब्रांड. आई थिंक इट्स द बिगिनिंग ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज दैट विल हैपन when it comes to India and motorcycles. I mean, this is world standard. जिस हिसाब से काम किया गया है और जिस हिसाब की फिनिशिंग है, शायद ही मैंने कहीं देखा है. और हमको हमेशा लगता है कि मुंबई इज़ द एपिसेंटर फॉर एवरीथिंग, बट ट्रस्ट मी, इंडिया इज़ रेडी फॉर दिस जनरेशन, क्योंकि मोटरसाइकिल्स के साथ साथ एक्सेसरीज के साथ साथ उतनी खूबसूरत सेफ्टी इक्विपमेंट भी उन्होंने बनाई हुई है. फॉर एग्जाम्पल हेलमेट, यू नो, हम हेलमेट अवॉइड करते हैं क्योंकि हमको लगता है कूल नहीं है, तो शायद लोग साइकिल पे भी ये हेलमेट पहन के चलाएंगे, चलते वक्त भी चलना चाहिए ये हेलमेट पहन के, क्योंकि वैसे भी गड्ढे भी बहुत है. तो एवरीथिंग इज कूल अबाउट दिस. सो व्हिच इज द स्टोर? मैं everything is so genuinely so stunning and so beautiful that I'm really happy for both of them. I think pati ka of course passionate hona bikes aur ye expected hai, lekin patni ka bhi utni excitement hai uski bhi, you know, and so happy for them and wish them the very best. And I think I'm glad that I came for the opening today, because I know this is a journey, this is a beautiful journey, and when you look back you feel, shit, you know, I was involved, I was somewhere down the line a part of seeing history happen. हंड्रेड परसेंट मैंने नहीं पार्ट नहीं, मेरी अपनी बाइक है, क्योंकि जब बुलेट रिलॉन्च हुई थी तो मैं था उस दिन लॉन्च करने के लिए, तो बुलेट वालों ने मुझे और मेरे बेटे को आहान को दोनों को एक बाइक दिया हुआ था, तो दो बाइक्स हैं हमारे पास, और बुलेट हिंदुस्तान की जान है. तो यू नो मैं वही बोल रहा था कि जाते ही मैं भिजवाने वाला हूँ, टू यू क्रिएट वॉट यू वॉन्ट and let me be that first customer. I'm you've already made that billing, but that billing will be done in my name first. So that is something I want to do, surely, definitely. मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना, और जो भी करता है genuinely करना, क्योंकि याद रखा जाएगा तुम इंसान कैसे थे, न कि तुम्हारी सिर्फ फिल्में तो आती जाती रहेंगी, ख़राब फ्राइडे आएंगे, अच्छे फ्राइडे आएंगे, भगवान की दया से सब अच्छा है उसके लिए. 20th सेंचुरी फॉक्स प्रेजेंट, साजिद नादिया द्वारा फिल्म, मिलन लूथरिया एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, RX 100 द सब्जेक्ट, यू नो, only thing if he needs is the blessing of the audience and lady luck to support him. Outstanding. I think industry ab industry nahi rahi, India ki industry ek ho gayi hai. I think thanks to Bahubali scale dikhaya gaya ki business kya ho sakti hai. तो एक फिल्म मैं कर रहा हूँ बैंगलोर में कीचा के साथ, जिसका नाम है पहलवान, और हम
पांच या छह लैंग्वेजेस में रिलीज करने जा रहे हैं. एक अच्छी फिल्म है. उसके अलावा मैंने मरकार कंप्लीट की प्रियदर्शन के साथ, जो तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी में रिलीज होगी. प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑन द इंडियन स्क्रीन विद द लेजेंडरी मोहनलाल, साबू सिरिल, प्रियदर्शन, तिरु. एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन. सो फील ब्लेस्ड. उसके अलावा अच्छी फिल्में कर रहा हूँ. आई थिंक चार साल के गैप के बाद दोबारा फिल्में कर रहा हूँ एंड क्लियर हूँ. उम्र क्या है मुझे अपना खुद का पता है. सो आई डोंट एक्सपेक्ट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट व्हाटएवर आई डू आई विल एंजॉय एंड मेक श्योर दैट द ऑडियंस दैट आई हैड एंड आई वांस लॉस्ट at least they come back to watch your film. Offers, जैसे कि मैंने कहा, offers काफ़ी है. मैंने एक चीज़ चार साल मैंने काम नहीं किया, ज़रूर काम नहीं किया, लेकिन अपने आप को फिट रखा और मेंटली भी बहुत ही फिट हूँ. अपना क्राफ्ट मुझे आता है तो अपने मन से काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा. डेफिनेटली काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा. अगर 150 फिल्म, आई थिंक 130 फिल्म मैंने की, 70% फिल्म मैंने दोस्ती में भी की. तो गलतियाँ भी हुई मुझसे, लेकिन आई डोंट रिग्रेट. दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. एंड लेकिन इस बार काम करूँगा तो दोस्तों से भी कहूँगा कि काम दोगे तो अच्छा काम देना यार, वरना काम ही मत देना, आना ही मत मेरे पास. नहीं नहीं, कभी नहीं. जो प्यार मिलता है उससे ज़्यादा महंगा और कुछ हो ही नहीं सकता. तो आई थिंक दैट इज़ देयर. आज भी चार साल के बाद भी मीडिया आपको याद रखते हैं, प्रोड्यूसर्स आपको याद रखते हैं, आपकी ऑडियंस आपको याद रखती है. हम जब भी कहाँ जाते हैं, इंटीरियर्स में जाते हैं, जब फॉलोइंग देखते हैं तो तब समझ में आता है कि नहीं यार, हमने भी अच्छी फिल्में की है और हमारा भी वक्त था. लेकिन अच्छा है. इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. दुनिया में कुछ भी हो जाए, वोट करना बहुत ही ज़रूरी है. मैं हालांकि अपने बहन के बेटे की शादी के लिए जा रहा हूँ. पहला बच्चा है जो फैमिली में जिसकी शादी हो रही है, US में शादी हो रही है. लेकिन मेरी कोशिश यही है और मैं आ भी रहा हूँ कि 27 या 28 तारीख को मैं पहुँचूँगा ताकि कैम्स कॉर्नर पर जाके विला ट्रीजा स्कूल में, जैसे हर वक्त करता हूँ, वहाँ जाके वोट करूँगा और ये उंगली ज़रूर दिखाऊँगा. उसके अलावा हमेशा मैंने उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जिसमें मैं बिलीव करता हूँ. मेरा मानना है कि एक बहुत सॉलिड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को रूल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का भी होना बहुत ज़रूरी है. मैं गठबंधनों में बिलीव नहीं करता, बिल्कुल नहीं बिलीव करता, क्योंकि जब एक लीडर होता है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है. और दैट्स व्हाई आई प्रे कि लोग वोट करें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को. जी, कैंपेन किसी पार्टी के लिए नहीं, जैसे कि मैंने कहा है, इंडिविजुअल्स के लिए करूँगा ही करूँगा. मैं अपने दोस्तों के लिए करता हूँ, मैं अक्रॉस पार्टीज जाता हूँ. इट्स ऑलवेज द केस. और इस बार भी जाऊंगा क्योंकि मुझे वो लोग जो अपने एरिया में काम करते हैं वो भी मैं देखता हूँ, यू नो. और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर हर आदमी ये सोचे कि यार चलो मेरे इलाका में मैं संभाल लूँ, तो बहुत सारा बदलाव आ सकता है. और उनके लिए मैं जाता हूँ, हर साल जाता हूँ और जाऊँगा ही. और अगर वो डिलीवर नहीं करे तो अकाउंटेबल भी रखता हूँ, पूछता भी हूँ कि पिछले बार आया था तो ये तो तूने तो कुछ काम ही नहीं किया यार, बकवास है तू. सो वो ताकत भी है मुझ में बोलने की, क्योंकि नहीं 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 नहीं, शायद जितने ऑफर्स मुझे आए शायद ही किसी को आया होगा उनके ज़िंदगी में. उतने ऑफर्स मुझे हर रोज़ आते हैं, लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि पॉलिटिक्स मेरी बस की बात नहीं है. मैं अपने आप को एक ट्विन पर्सनालिटी मानता हूँ. छुप हूँ तो बहुत छुप हूँ, और गुस्सा आता तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. तो आई थिंक पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है. मैं अपने NGO के द्वारा, सेव द चिल्ड्रन के द्वारा बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने का और उनकी देखभाल करने का. तो आई थिंक एक NGO का हिस्सा बनना मेरे लिए बेटर है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी का. थैंक यू.
could actually click me a nice picture and send me. Oh my god, do it. Do you mind just, sorry, just a little bit that side? Easy. One second. What's that feel like? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टफ बाइक है. आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड, आई हैव ऑलवेज लव्ड बाइक्स. इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आई डोंट ओन वन, बिकॉज मेरी जो मदर है वो बहुत ही टिपिकल जो होती है ना, माएँ होती हैं, चाहती है कि दे किड्स शुड नॉट राइड बाइक्स बिकॉज ऑफ बिकॉज इट्स 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 नॉट एज सेफ एज अ कार. सो या आई वुड लव टू ओन वन ऑफ दीज बिग बैड बॉयज. जी आज देखेंगे, आज कोशिश करूंगा मैं. Because this bike is so beautiful. Have you seen this bike? Yeah, look at the tires. Look at this. So Sameera just told me this is all handmade. It's all hand done. It's hand molded. And this bike is made specifically for Titan. So they've got a very cool dial that's happening here and there. So yeah, I'm totally tempted to ride one of these. Right. हाँ जी. आई थिंक दैट्स विद एवरी बॉय, यू नो, हम सारे लड़के गाड़ियों और बाइक्स को लेकर बहुत ही शौकीन होते हैं. सो दैट ऑलवेज टेक्स प्रायोरिटी. बाइक की मेरी मेमोरी आई थिंक इज एसोसिएटेड विद गोवा, बिकॉज व्हेन यू आर इन गोवा यू लव राइडिंग बाइक्स. बट डेफिनेटली देयर आई एम राइडिंग वन ऑफ दोस काइनेटिक सॉर्ट ऑफ अ बाइक्स विद अदर गियर्स. बट हैविंग सेड दैट, आई हैव जस्ट वन इंसिडेंट अबाउट बाइक्स व्हिच मुझे थोड़ा डरा देता. आई हैड अ लिटिल एक्सीडेंट व्हाइल आई वाज शूटिंग द शो ऑफ माइन कॉलेज के सारों, मेरी बहन है, एंड आई रिमेंबर मी एंड माई कोस्टर वी वर ऑन अ बाइक एंड वो ग्रेवल पर बाइक थोड़ी सी स्किड हो गई थी. फॉर्चुनेटली वी वर एट अ वेरी लो स्पीड सो नथिंग हैपेंड, बट या दैट वाज वन एक्सपीरियंस आई वोंट फॉरगेट. राइट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई मीन आई टोटली अंडरस्टैंड द प्लेजर ऑफ जो एक बाइक पे क्रूज करने का मजा होता है, वो एक बहुत ही अनमैचेबल अनबीटेबल प्लेजर है. सो डेफिनेटली इन्जॉय दैट, बट आई थिंक सेफ्टी कम्स फर्स्ट. सो इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग राइड एंड आई थिंक पीपल आर स्मार्ट नाउ, आप सारे बहुत समझदार हैं, बट मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग द राइट काइंड ऑफ क्लोथ, यू आर वेयरिंग द राइट काइंड ऑफ हेलमेट्स, बिकॉज द राइट काइंड ऑफ गियर रियली प्रोटेक्ट्स यू, तो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है. सो दैट्स माई ओनली मैसेज, दैट हैव फन, लव राइडिंग, बट बी सेफ. थैंक यू वेरी मच. सो एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है अक्षय वर्दे, नोबडी नोज दिस, लेकिन वी मेट ओवर मोटरसाइकिल्स. हमारी प्यार की कहानी मोटरसाइकिल से शुरू हुई. यस. और मैं मेरी फिल्म अजय देवगन के साथ उस टाइम जब मैं शूटिंग कर रही थी, अक्षय सेंट वन ऑफ हिज मोटरसाइकिल्स. लेकिन अजीब बात यह है कि मैं मोटरसाइकिल को मैंने नहीं देखा, मैंने अक्षय को देखा, और दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ वी गॉट मैरिड. So the love story and the journey begins from our love for motorcycles from day one. और आज अक्षय और मैंने ये बहुत ही वेरी एक्साइटिंग मोटरसाइकिल लाइफ स्टाइल स्टोर चालू किया, क्योंकि अक्षय यूज़ टू मेक कस्टम बिल्ड मोटरसाइकिल्स, यू नो, फॉर अक्षय कुमार एंड फॉर लॉट ऑफ दीज, यू नो, फॉर स्टार्स एंड मूवीज, यू नो, फॉर जैकी श्रॉफ. एंड आई ऑलवेज टोल्ड अक्षय कि हमें ऐसे जगह ओपन करना चाहिए जहाँ की वी आर एक्सेसिबल टू एवरी वन, नॉट जस्ट फिल्म स्टार्स, नॉट जस्ट पीपल हु हैव टन्स ऑफ मनी. इट शुड बी कि आम जनता भी आ सकता है और बोले कि चलो हमको एक, यू नो, शानदार एग्जॉस्ट पाइप चाहिए, हैंडल बार, जैकेट, शूज़. आई ऑलवेज टोल्ड हिम कि बॉलीवुड हैज़ टॉट मी इट्स ऑल अबाउट द मासेस, इट्स ऑल अबाउट द जनता. इफ द जनता इज़ नॉट विद यू, इट्स नॉट वर्थ इट. एंड दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड, कि वर्देंची मोटरसाइकिल्स एक कस्टम चॉपर कंपनी से आज एक लाइफ स्टाइल स्टोर, एक एक्सेसिबिलिटी है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग्स. एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट सुनील एंड करण, गौहर, गुल, ऑल माई फ्रेंड्स केम टू सपोर्ट मी टुडे. सो यू
you see this big bike here? Yeah, iska tire hai 300 mm. Okay, it's a big tire. Or these are one of, this is one of the first motorcycles that I rode from this company. It is not easy. I think that women are very tough and women can ride motorcycles. That's how we met, my husband and me. Bike riding is something that is the heart of India. The amount of bikes on the road are, I think, one of the biggest numbers in the world. So I'm very happy to be in this business now. Baby boy? Kisne bola baby boy? India mein allowed nahi hai bhai. Ne, dua hai ki, I hope ki already mere paas ek chota bahut hi sweet ladka hai, Hans. और हंस इज ऑल्सो मोटरसाइकिलिस्ट इन इज हेड. उनको अभी एज 3 पे ही उनको बहुत शौक है, पापा जैसे ही वॉन्ट्स टू गेट ऑन द मोटरसाइकिल. बट आई एम होपिंग इट्स अ गर्ल, बट इट्स ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत ही प्रेस में, यू नो, आई लाइक द फैक्ट दैट लॉट ऑफ प्रेगनेंट वुमेन आर कमिंग आउट. क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसे टॉपिक है जहाँ की वुमेन फील दैट दे शुड बी हाइडिंग. They feel very big and they feel very different in their bodies. Or I feel that this is the time to come out and shine. इसलिए ये इस pregnancy में I have been out. और trolls जो भी किसको भी जो भी कहना है, I will wear see through, I will wear sexy dresses, I will do what I want, because pregnancy is one of the most beautiful times of our lives. And that's why I, you know, I'm very very happy that I'm on baby number 2. Yes. आफ्टर प्रेगनेंसी तो 100% देखेंगे. आई फिल्मी दुनिया में, यस यस. एक्चुअली मुझे काफ़ी वेब सीरीज़ के ऑफर्स आए लास्ट ईयर, लेकिन दिस इज़ अ प्लान्ड बेबी. और अक्षय एंड मी न्यू दैट वी वॉन्टेड टू गेट प्रेगनेंट, तो मैंने वो ऑफर्स को मैंने टर्न डाउन किया, क्योंकि आई ऑलरेडी न्यू इट वॉज फैमिली प्लानिंग ऑन द वे. बट 100% आई थिंक कि वॉट इज़ अमेजिंग कि फिल्म स्टार्स आर वेरी इनएक्सेसिबल बिफोर. यू शुड सी सलमान, यू सी आमिर, बिग बिग स्टार्स. और आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू नो, इन इस तरह से सोशल मीडिया थ्रू वेब सीरीज, डिजिटल ब्लास्ट इज़ वन ऑफ इट्स द फ्यूचर. So I feel that it's very very easy to get out there and have work and be connected with the public. Movies are not everything, songs are not everything anymore, and that's why I'm hoping to come back definitely. A little thoda sa waqt hai abhi, main 6 mahine pregnant hu, and then when this baby comes out, I'm looking forward to getting back. Thank you so much for coming. And good luck. Thank you.